पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। एक तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान बीजिंग से रियाद तक दौड़ लगाकर खैरात जमा कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी आवाम भी विदेश जाकर भीख मांग रही है। मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले 8 उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड कर दिया गया। ये लोग उम्रे के लिए नहीं बल्कि भीख मांगने सऊदी अरब जा रहे थे। एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन द स्काइज। पाकिस्तान के फकीर दुनिया भर में बन रहे हैं बदनामी के सफीर। मुल्तान एयरपोर्ट से उम्रा ज़ायरीन के भेस में सऊदी अरब भीख मांगने जाने वाली 8 खवातीन को ऑफलोड कर दिया गया। यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहाँ से वो लोन लेता है 60 लाख रुपए का। 60 लाख रुपए का वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। आप कह रहे हैं स्टडी वीजा पे भीख मांगते हैं। अब मैं आपको बताऊँ की मैं तो डेली केसेस देखता रहता हूँ। ये देखें, बाहर स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं स्टडी वीजे पे, वहाँ जाके ज्यादती की केस उलविस पकड़े गए हैं। 13 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए पकड़े जाते हैं। आपसे आपने जिक्र किया हो यार, इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं, आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं, वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का? 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं, गवर्नमेंट है वो भी हमारे साथ कई दफ़ा बात रेस कर चुकी है। तो एक तो हमें इसके लिए हमने अपनी गवर्नमेंट को भी लिखा है, FIA को भी लिखा है कि एयरपोर्ट पे ये ज़रूर इस किस्म के चेक्स रखें ताकि इस किस्म के लोग आके हमारी कम्युनिटी का नाम खराब ना करें। ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये आउट ऑफ व्हिच 38 मिलियन आर प्रोफेशनल बेगर्स, अप्रोक्सीमेटली टोटलिंग टू 117 trillion rupees एनुअली। In dollars, this equates to almost $42 billion. बदनामी से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेशनल भिखारियों पर लगाम लगाने का फैसला भी किया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। एक खबर निकल कर आया है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को बकायदा ट्रेनिंग देके दुनिया भर में भिखारी बना के भेज रहा है। जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रहते हैं आज उनका सिर शर्म से झुक गया है और इन भिखारियों की इनकम देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है। जितना पाकिस्तान का डिफेंस बजट है उससे भी 5 गुना ज्यादा इनका सालाना इनकम है। मानो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा बिजनेस है जो पाकिस्तान छुपा के दुनिया भर में चला रहा था, लेकिन आज पूरे दुनिया को पता चल गया। इन्हीं सब को देखते हुए पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए झूठी कार्रवाई कर रही है। खबर ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तान मूल के हैं। इराक और सऊदी के राजदूतों ने इस मामले को पाक सरकार के सामने उठाते हुए कहा कि इनकी गिरफ्तारी से इनकी जेलों में भीड़भाड़ बढ़ गई है, आप इन्हें तुरंत रोकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन भिखारियों की सालाना कमाई 117 ट्रिलियन रुपए है, जो कि डॉलर में 42 बिलियन डॉलर होते हैं। आसान शब्दों में ये 3.8 करोड़ लोग बिना काम किए 42 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं और पाकिस्तान भेज रहे हैं। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। रिसेंटली हम सब ने ये भी न्यूज सुनी कि मलेशिया के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भिखारी भी पकड़े गए हैं। मलेशिया ने पाकिस्तानियों के वीजास को भी कैंसिल करना शुरू कर दिया है। UAE भी हमें वीजा नहीं दे रहा। सऊदीया में भी कुछ क्लैशेस चल रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तानी फकीर दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग हैं। IT की तरफ जा रही है, एजुकेशन में नाम कमा रही है, एक्सपोर्ट्स में नाम कमा रहे हैं, हम फकीर भिखारियों में नाम बना रहे हैं क्या? हमारे भिखारी जो है वो बाहर की कंट्रीज में भी बड़ी मकदार में पाए जा रहे हैं। सिटी 42 वालों के सर्वे के मुताबिक महीने में एक फकीर 6 लाख पाकिस्तान में कमा रहा है। जो बाहर की कंट्रीज में मांगते हैं वो तो डॉलर्स में मांगते हैं, जो सऊदीया में मांगते हैं वो तो उनकी करेंसी मिलती है उनको, तो वो फिर और ज्यादा उनका जो है वो एक महीने की जो कमाई है वो बढ़ जाती है। पाकिस्तानियों के दिमागों में क्या घुसा हुआ है भाजी? पाकिस्तानी के दिमागों में तरस खा के ये दे देते हैं कि महंगाई बहुत है, तो वो सोचते हैं कि शायद हालात ही ऐसे हैं कि चलो इनको 5-10 रुपये देने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए वो दे देते हैं। क्या कैसा नाम बना रहे हैं हम मांग मांग के? हम अपने मुल्क में भी मांगते हैं, बाहर जाकर भी मांगते हैं, तो क्या इसी वजह से लोग पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये मांगना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम लोग बदनाम हैं और हमारी जो है रेपुटेशन ख़राब है कि ये मांगते हैं, तो इनसे थोड़ा किनारा कशी करें या थोड़ा दूर रहें। बस जी ये क्या कह सकते हैं, ये हम तो फिर बड़े बड़े लोग भी मोटिवेशन हासिल करते हैं, चलो कारोबार तो चल नहीं रहे हैं, भीख मांगने पे आ जाते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, फिर वही अनपढ़ जाहिलों की तरह हरकतें करते हैं। बिल्कुल जी आपकी बात सही है, एजुकेशन की कमी है, तलीम की कमी है। अगर पढ़ा लिखा हमारा मुल्क होगा तो फिर समझदार भी होगा, अगर माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे भी के ऊपर भी वो तवज्जो देंगे। पढ़े लिखे लोग भी मांग रहे हैं,
मुल्क में भी मांग रहे हैं, मुल्क से बाहर भी मांग रहे हैं। वो अलग बात है, वो सियासत है, वो पॉलिटिशियन है, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। की बात नहीं कर रही मैं, पढ़े लिखे नौजवानों की बात कर रही हूँ जो यहाँ से मुल्क छोड़कर जाते हैं, लेकिन बाहर हमें दरिया बिछाकर फुटपाथ पर बैठे हुए मिलते हैं, बाहर की कंट्रीज में वो पाकिस्तानी होते हैं। एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन द स्काइज, और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। सब ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, सब ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रिवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के, ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए गए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का, इतना इनकम वो करते थे जापान में। जापान में लोग बड़े खुदा तरसे। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उमरा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं मैं अपनी इबादत कर रहा हूं, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई, मैं तो खुद रैंप से मांगने आया हूं, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानी के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पर मांगते देखा है स्टेशनों पर। जब आप मुझे यह बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांग, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहां आया था, उन्होंने यहां से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैगर्स नॉट चूजर्स, फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगे गए। क्या है मेरे तो कोई, मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकॉनमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं, और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं, और आपकी किस्मतों के फैसले देखें, हर सियासी पार्टी की मीटिंग जब होती है वो दुबई में होती है, जब भी मीटिंग हमारा लंदन में मीटिंग होती पूरी पूरी कैबिनेट चली जाती है लंदन, पूरी कैबिनेट उठ के पैरिस चली दुबई चली जाती है। तो कोई समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर एक दूसरे को गालियां देते हैं, कहते हैं जी जुडिशरी भैड़ी है, कभी कहते हैं फौज भैड़ी, वो सारे पाकिस्तानी है यार। फेडरल सेक्रेटरी कह रहा है 90% पाकिस्तानी बाहर जो पकड़े जाते हैं वो मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ बात ही खत्म हो गई। सेक्रेटरी भी तो मांगते ही फिर रहे हैं ना, सेक्रेटरी कहता मैं, सेक्रेटरी क्या करते फिर रहे हैं जब मुल्क ही कोई नहीं है किसी, ये आप खैर कंट्री तो रहे ही नहीं ना, आप पोलिटिकल साइंस की डेफिनेशन से यू कैनॉट कॉल योरसेल्फ कंट्री एनीमोर।